नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। रविवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ महारैली का आयोजन किया। यह रैली पहले दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन वहां इजाजत ना मिलने पर इसे जयपुर में आयोजित किया गया। इस रैली में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने भाग लिया। इस महारैली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी पहुंचे। रैली के दौरान अपने संबोधन में जहां राहुल गांधी ने भाजपा के हिंदुत्व पर जबकि प्रियंका ने किसानों और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। इस रैली को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने भी संबोधित किया। देखिए अपने संबोधन में चौधरी अनिल कुमार ने क्या कहा। लगाम लगाना चाहती है, लेकिन ये सरकार भूल जाती है ये राहुल जी के सिपाही है, ये कांग्रेस के जाबाज सिपाही हैं। अरे हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे, मोदी तुम्हारे इस पुलिस प्रशासन से, इस शासन से हम क्या डरेंगे। मैं इस बात को इस सभागार में भी कहना चाहता हूँ, हम हमारे पूर्वज उस समय नहीं डरे तो आज इन चोरों से क्या डरेंगे, इन लुटोरों से क्या डरेंगे जो खुले तौर पर लूट इस देश में मचाते। ये सरकार मोदी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, आप कांग्रेस के नेतृत्व पर, कांग्रेस के उन सांसदों पर जो पार्लियामेंट में लड़ते हैं, उन कार्यकर्ताओं पर जो सड़कों पर आवाज उठाते हैं गरीब की, मजदूर की, किसान की, आप उस पर लगाम लगाना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मोदी जी, यदि लगाम लगानी है तो महंगाई पर लगाम लगाइए। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता पर लगाम नहीं लगा सकते, ये आपसे डरने वाले नहीं है। और मैं इस मंच से स्वीकार करता हूं कि हमारे नेता एकमात्र वो नेता है जो मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। तमाम विपक्ष के अंदर यदि आज कोई नेता दिखाई देता है तो राहुल गांधी वो नेता दिखाई देता है जो मोदी से प्रश्न पूछने की हिम्मत रखता है। मैं इतना ही कहते हुए, सरकार में जहां भारत सरकार में मोदी सरकार इस देश को लूटने का काम करती है, वहीं राज्यों में भी राज्य सरकारें भी इससे अछूती नहीं है। लगभग 20 लाख करोड़ मोदी सरकार सेंटर में लूटती है, तो जीएसटी के रूप में और वैट के रूप में दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता से 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का काम करता है। इन सरकारों के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी है। आज की ऐतिहासिक महारैली इनको जवाब होगी इस बात का कि 7 सालों में इस देश ने जो भुगता है अब और वो सहन करने वाले नहीं है। राजस्थान के इस जयपुर में आयोजित इस सभा में मैं आभार व्यक्त करता हूँ तमाम शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय केसी वेणुगोपाल साहब का, आदरणीय हमारे गहलोत साहब, सीएम साहब का, जिन्होंने यहाँ एक अच्छे बहुत ही होस्ट के रूप में कांग्रेस के परिवार साथियों का अभिनंदन किया है। इन शुभकामनाओं के साथ अभी थोड़ी देर में सोनिया जी, राहुल जी को सुनेंगे। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।